हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल द सेसी कलगी। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। होप सो आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, तो विदाउट एनी फर्दर रूल एज स्टार्ट। तो आज की जो वीडियो है वो स्किन से रिलेटेड है, क्योंकि अभी समर्स चल रहे हैं, तो स्किन को हाइड्रेट रखना और स्किन को अच्छे से प्रेप करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हमारी स्किन ख़राब ना हो और सन से डैमेज ना हो जाए। तो हमें एक अच्छा सा टोनर तो इस्तेमाल करना ही करना चाहिए। तो मैं जो इस्तेमाल करती हूँ अपनी स्किन पे, वही मैं आपको टोनर बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो चीज़ मैं खुद पहले इस्तेमाल करती हूँ फिर आप लोगों को मैं वो बताती हूँ। तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। काफ़ी अच्छा टोनर है वो, तो स्किन को काफ़ी अच्छा कर देता है और नेचुरल बनाता है आपकी स्किन को। अगर आपको कोई एक्ने प्रॉब्लम है तो उसको भी थोड़ा हद तक ख़त्म करता है। और आपको यहाँ पे नोज़ के साथ साथ में ऑयली स्किन वालों को पिगमेंटेशन हो जाती है, तो उसको भी हद तक कम करता है। और डार्क स्पॉट्स होते हैं उसको हटाता है, कम करता है। और जो आपकी एंटी एजिंग स्किन पे पड़ जाते हैं ना, वो भी आपको कम करता है। और सबसे स्पेशल बात है इस टोनर की कि आपके फेस पे जो पोर्स हो, जैसे ओपन पोर्स खुल जाते हैं, तो उसको एक टाइट करता है, टाइटन अप करता है और आपके पोर्स को फिल करता है, जिससे आपकी स्किन हेल्दी और नेचुरल लगती है। तो मैं बात करने जा रही हूँ यहाँ पे सेट्रन बाय GSC के टोनर की। ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है और काफ़ी अच्छा इसका टोनर है। मैंने इसको यह काफ़ी इस्तेमाल किया है, ये मेरी सेकंड बॉटल है, तो मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा। तो इसमें जो जो क्वालिटीज़ है वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि क्यों ये स्किन के लिए इतना अच्छा और मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रही हूँ। तो ये है सीरम सेट्रन बाय GHC का। ये फेस टोनर है आपका, ये पोर टाइटनिंग करता है आपके फेस को। इसमें सबसे पहले pH होता है, तो pH क्या करता है, ये आपके स्किन को रेडिएंट रखता है और एक अच्छी स्किन टोन देता है और बहुत स्मूथ रखता है। और सेकंड थिंग इसमें जो होती है वो है नियासिनमाइड। तो नियासिनमाइड क्या करता है, आपकी स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है और आपको नेचुरल मॉइस्चराइजर देता है। और थर्ड इसमें हाइलुरोनिक एसिड, तो ये क्या करता है, ये करता है आपके स्किन को हाइड्रेट रखता है बहुत अच्छे से, ताकि आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई ना हो, फटे ना। और फोर्थ इसमें होता है अमीनो एसिड्स, जो कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है डैमेज से और एजिंग से। तो ये काफ़ी अच्छी प्लास्टिक हार्ड बोतल में आता है, इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है और ये चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है। फेस पर लगाते ही आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बता दिया है, फटाफट से जाके आप इसको बाय करना। मेरे ये डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इसका मेंशन, वहाँ से फटाफट से इसको बाय कर लेना, बाय कर सकते हो आराम से। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपको लगाना कैसे है। आपको अपना पहले पूरा फेस क्लीन करना है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो धूल मिट्टी में फेस हो जाता है, उसके ऊपर इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना। आपको इसको पहले फेस वॉश करना है अच्छे से, जिससे भी आप करते हो, कोई भी फेस वॉश अच्छा सा हो उससे आप करते हो, उससे फेस वॉश करें। और उसके बाद इसके 3-4 ड्रॉप्स लेके अपने हैंड्स पे लगा सकते हैं, फिर कॉटन में लेके भी आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप मेकअप करना चाहें तो मॉइस्चराइज़र लगा के ये लॉक हो जाएगा बिल्कुल, तो आप उसके बाद मेकअप कर सकते हैं। और आपको रात को लगाना है तो आप रात को लगा के भी इसको सो सकते हैं, तो दोनों टाइम आप इसको लगा सकते हैं, मेकअप करने से पहले और रात को भी। अगर आप इसको लगा के सोए तो फेस को साफ करके फिर इसको लगा के आपको सोना है, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। बहुत मुझे इसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, तो आपको भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और जिसको इसने रिजल्ट दिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर।